9 वर्ष में निर्धन परिवारों को मिलेगा राशन का लाभ। सदर SDO के द्वारा मिला राशन कार्ड। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में सदर मधुबनी के अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा निर्धन लाभुक परिवारों के बीच राशन कार्ड वितरण कर उन सभी को 9 वर्ष का सौगात दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा चकदह सप्ताह रामपट्टी सहित सदर अनुमंडल क्षेत्र के कई हिस्सों के निर्धन जरूरतमंद लाभुक परिवारों को 9 वर्ष में नए राशन कार्ड का वितरण दिया गया। मौके पर रहिका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार, कार्यपालक सहायक विजय कुमार व कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अनुमंडल पदाधिकारी के हाथों रहिका प्रखंड अंतर्गत चकदह मध्य विद्यालय के प्रांगण में एवं सप्ताह मध्य विद्यालय के प्रांगण में राशन कार्ड वितरण किए गए। इसके अतिरिक्त राजनगर प्रखंड के रामपट्टी उच्च विद्यालय व उसके आसपास कई गरीब लाभुकों के बीच राशन कार्ड वितरण किया गया। वहीं कार्ड पाकर जरूरतमंद निर्धन के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। वहीं इस योजना को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जनवरी माह में राशन वितरण से संबंधित नए प्रावधानों को लोगों के बीच रखे और उन्हें अवगत कराया। SDO श्री कुमार ने बताया कि माह जनवरी से दिसंबर माह के वितरण चक्र में PMG के वाई योजना के खाद्यान्न बंद कर दिए गए हैं। इसके बदले खाद्य सुरक्षा अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रहिका को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। नीला देवी जो बस्ती है वहाँ अगर राशन कार्ड का बंटवारा, हम लोग आज नए साल के अवसर पे हर कोई व्यक्ति अपना नए तरीके से अपना नया साल मनाते हैं। हम लोग का जो अपना तरीका है कि हमारे सरकार का निर्देश है कि समाज के वैसे पिछड़े लोग जिन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जानी चाहिए और पहुंचाई जा रही है, तो हम लोग आज का दिन उनके लिए शुरुआत करें। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आजीवन भोजन का प्रबंध हो जाए। सरकार की जो ये योजना है राशन उपलब्ध कराने की, उसके माध्यम से आज हम सब लोगों को राशन कार्ड दे रहे हैं। और ये सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं, भोजन प्राप्त कराने की, भूख से निजात पाने की गारंटी है तरीके से, वो हम मतलब लोगों को करवा रहे हैं। और बहुत हमें खुशी है कि हमें सरकार की इस योजना को ठीक तरीके से कार्यान्वित करने का मौका मिला है।